तुम ठीक समझते हो। कुणाल मम्मी को बुलाने जाए और घर में चोरी की कोशिश। इन दोनों में कुछ तो कनेक्शन है। क्या कनेक्शन है ये तुम्हें अभी तक पता नहीं। और इससे पहले कि तुम सच्चाई जान लो, मुझे मम्मी के रूम में घुसकर वो पेपर्स निकालने हैं जो मुझे चाहिए। हेलो हेलो, हाय प्रवीण, हाउ आर यू? बस ठीक हूँ भैया। थैंक्स भैया, थैंक्स अ लॉट। आपके भेजे हुए गिफ्ट्स मिले, बहुत पसंद आए। अच्छा, और अनुपम को कैसी लगी? उसे पसंद आई या नहीं है? खुद ही बात कर लूँ उससे। भैया, अनुपम जीजू से पूछिए ना मेरे भेजे हुए टेनिस रैकेट्स कैसे लगे। तो तुम खुद ही बात कर लो। भैया, स्पीकर फोन से बात करो। चलो। अनुपम जीजू, टेनिस रैकेट्स पसंद आए ना? ओरिजिनल ब्रांड पे के हैं। टेनिस रैकेट्स? हाँ, आपके लिए और अवंतिका के लिए। हाँ नकुल, अब देखा मैंने, बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। अरे जीजू, क्या थैंक्स। जीजू, आप तो बस अवंतिका के साथ मैच खेलिए, उसके सारे वीक पॉइंट्स मुझे पता है। मैं आपको बहुत से टिप्स दूंगा, धीरे धीरे करके आपको भी पता लग जाएंगे। अरे मुझे तो इसके पॉजिटिव पॉइंट्स अभी पता लग रहे हैं। अच्छा अनुपम जीजू, जरा प्रवीण जीजू को तो फोन देना। हाँ नकुल। हाँ प्रवीण जीजू, कैसे हैं आप? मेरा भालू कैसा लगा आपको? आई मीन टेडी बेयर। टेडी बेयर? हाँ नकुल, टेडी बेयर बहुत अच्छा है, लेकिन टेडी बेयर तो बच्चों को देने की चीज है ना। अरे जीजू, लगता है आप मालविका को अभी तक जानते नहीं। कुछ मामलों में तो वो अभी तक बच्ची है, और बहुत से मामलों में बड़ों से भी ज्यादा समझदार है वो। अच्छा प्रवीण जीजू, बाय। ओके नकुल, बाय बाय बाय। ठीक से पता तो लगा है तुमने? प्लॉट नंबर 26 MG रोड, ठीक से चेक किया ना तुमने? हाँ भाई हाँ, शक की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई घर नहीं है वहाँ पर। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। थैंक यू, गुड नाइट। इतनी रात गए किससे बातें कर रही थी? कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ छोटी मोटी बातों का पता लगा रही थी। कैसी बात है? अनीश, औरतों की छोटी मोटी बातों के बारे में तुम नहीं जान पाओगे। तुम्हारी ये छोटी मोटी बातें मुझे तो समझ नहीं आती भाई। एक दिन जरूर समझ आएंगी, जब यही छोटी छोटी बातें बड़ी बड़ी सच्चाइयों पर से पर्दा हटाएंगी, और उस दिन तुम्हारी आदरणीय शायना भाभी के चेहरे पर से भी नकाब उतर जाएगा। हाँ शहनाव। मैं ये देखने के लिए आई, तुमने सब कुछ ठीक तरह से लॉक तो किया ना? हाँ, सभी लॉक कर दिया। ये तो कुछ आ गया। मुझे दे दो, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना तुमने कितनी बार कब्र की चाबी खो दी है, और अगर ये भी खो गई तो मम्मी जी आकर मुझे डांटेगी। ओके बाबा, ठीक, तुम रख लो। ओके, अच्छा आओ जल्दी से। बस इसी की कमी थी। ये देखिए, ये है वो कागजात जिसकी वजह से आपको सुनैना जी के रुपयों और प्रॉपर्टीज पर पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी जा सकी। उनके सारे पैसे ट्रस्ट में हैं, और उनकी मम्मी गायत्री देवी ने अपनी वसीयत में साफ साफ लिखा है कि एक निश्चित रकम ही वक्त वक्त पर निकाली जा सकती है, और जो कि सिर्फ सुनैना जी ही निकाल सकती हैं।
एक साल में ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए। अच्छा चलो मान लो कि 1 करोड़ से ऊपर की रकम चाहिए तो? ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1 करोड़ की रकम कोई छोटी रकम नहीं होती है। और फिर सुनैना जी को 1 करोड़ से ज्यादा की जरूरत भी क्या है? अच्छा चलो मान लो मुझे 1 करोड़ से ऊपर की रकम चाहिए, या मान लो कि मैं ये ट्रस्टी खत्म करना चाहूँ तो? ये मुमकिन नहीं है सर, लेकिन हाँ एक सिचुएशन में ऐसा हो सकता है, और वो है सुनैना जी की मौत। ये ट्रस्ट उनके लिए है, और यदि सुनैना जी ही नहीं होंगी तो जाहिर है कि ट्रस्ट की रकम उनके रिश्तेदारों की दी जाएगी, और वो हैं आप। यही वो पेपर्स है ना कुणाल, जिनसे तुमने ट्रस्ट को खत्म करके सारे पैसे अपने नाम कर लिए, और इन्हीं पेपर्स के लिए तुमने मुझे खत्म करने की कोशिश की थी ना। लेकिन देखो पासे किस तरह पलट जाते हैं। मेरे पैसों से तुमने ये सिकंद एम्पायर खड़ा किया, अब यही पैसे वापस असली हकदार सुनैना के पास आ जाएंगे, और तुम वापस भिखारी बन जाओगे। कौन? शायना? हाँ कुणाल, कुछ चाहिए? नहीं, कहाँ गई थी तुम? बस थोड़ा अधूरा काम पूरा कर रही थी। सॉरी कुणाल, सब मेरी वजह से हुआ ना। नहीं नहीं, अच्छा एक काम करो, देखो बाहर कोई एंटीसेप्टिक की बॉटल होगी, जल्दी से ले आओ। हाँ मैं अभी लेकर आती हूँ। मिली क्या? नहीं कुणाल, ढूंढ रही हूँ। शाना जल्दी करो, खून रुक ही नहीं रहा है। मिल तो गई लेकिन? लेकिन क्या? खाली है। एक काम करती हूँ, मैं ड्राइवर को भेज देती हूँ, वो बाहर से लेके आएगा। ठीक है। कुणाल जब तुम्हें कुछ होता है ना, मुझे बहुत तकलीफ होती है, मैं सच कह रही हूँ। शाना जब तुम्हें कुछ हो जाता है तो कितनी अजीब बात है, यही शब्द मैंने पहले भी कहे थे किसी के लिए, और वो कितनी आसानी से मेरा विश्वास तोड़कर चली गई, और अब दोबारा वे शब्द दोहराते हुए डर सा लगता है। नहीं दोहरा सकते ना, अपने ही शब्द कैसे दोहराओगे? जिसे तुमने ये शब्द कहे उसे ही मारने की कोशिश की, ये अफसोस जरूर तुम्हारे गले में अटक रहा होगा।